नमस्कार। आज का पाठ है बाजार दर्शन और पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाठ में लेखक कहते हैं कि जब बाजार से कोई सामान खरीदता है तो ज़्यादातर पुरुष अपनी पत्नियों को दोष देते हैं और फिर सामान खरीदने पर यह तर्क देते हैं कि स्त्री माया है, अतः माल जोड़ना उसका स्वभाव है। लेखक बाजार से अनचाहा माल खरीदने के पीछे मुख्य कारण पति के धन की शक्ति को मानता है और वह कहता है कि पत्नियां तो केवल नाम लेने के लिए हैं, अपनी शक्ति को छिपाने के लिए हैं, जबकि पति के धन की शक्ति जो होती है उसी से हम अनचाहा सामान खरीदते हैं। लेखक कहता है कि धन मनुष्य की सामर्थ्य का प्रतीक है और धन से वह तरह तरह की सुविधाएं जुटा सकता है और ये सुविधाएं जुटा करके वह अपने आप को औरों से अधिक शक्तिशाली बताना चाहता है। लोग पैसे की पावर का इस्तेमाल सामान, मकान, कोठी आदि इकट्ठा करके करते हैं और इससे वो अपनी परचेजिंग पावर दिखा करके औरों से अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं। बाजार का चौक उन लोगों की कामना को विकल बना देता है जो अपने आप को नहीं जानते, अपनी चाह को नहीं जानते और वो बिना बात का सामान लेकर के घर आ जाते हैं। बाजार के आकर्षण से मनुष्य के मन में असंतोष भी उठता है कि उसके पास इतनी सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं और वह सब सामान देख करके उसे और ज़्यादा ज़्यादा सामान खरीदने की चाह बढ़ती जाती है और इससे उसकी ईर्ष्या भी बढ़ती जाती है। बाजार के आमंत्रण में तृष्णा और प्यास का खुला खेल होता है। बाजार से धजकर ग्राहकों को अपना भोग करने के लिए हमेशा बुलाते रहते हैं। बाजार में मौन निमंत्रण पाया जाता है, यानी कि चुपचाप ऐसी वस्तुएं सजा दी जाती हैं जिनके प्रति मनुष्य हमेशा लालायित रहता है, चाहे उसे जरूरत हो या ना हो। बाजार में अनेक प्रकार की लुभावनी वस्तुएं आपको देखने में मिल जाएंगी और जो आपके मन में ज़बरदस्त चाह जगाती हैं और आपके मन में ये बात जाहिर हो जाती है कि आपके पास तो कुछ सामान है ही नहीं, यानी कि एक बनावटी जो चीज़ है, बनावटी खालीपन ला दिया जाता है आपके मन में कि आपके पास कुछ भी सामान नहीं है। जेब खाली होने पर भी आज का उपभोक्ता खरीदारी करता है और यह व्यक्ति की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बताता है। बाजार के जादू को लेखक रूप का जादू कहता है। रूप का जादू क्यों है? ग्राहक नई नई वस्तुओं के सुंदर रूप को देख करके ठगा जाता है और उसके मन में सुनहले रूप को देख करके एक अलग ही तृष्णा जाग जाती है। बाजार का जादू केवल उन्हीं लोगों को लुभाता है जो पैसे की शक्ति दिखाने के लिए खरीदारी करते हैं। बाजार के जादू से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि मनुष्य जब भी बाजार में जाए, कोई चीज़ खरीदने के लिए जाए, ना कि बिना जरूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए। जादू का असर खत्म होने पर ग्राहक स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करेगा निश्चित रूप से। तब फैंसीदार चीजें आराम देने की बजाय आराम में खलल डालने वाली लगने लग जाती हैं। बिना जरूरत के बाजार में घूमने से अनावश्यक चीजें खरीदी जाती हैं। बाजार का जादू क्या है? सजी धजी आकर्षक वस्तुएं हैं जो मन में तृष्णा जगाती हैं। जब बाजार ग्राहक को व्यर्थ का लोभ लालच और भटकाव देने की बजाय उसकी जरूरत को पूरा करने लग जाए, तब बाजार की सार्थकता है। तो सचमुच बाजार जाना आनंददायी हो सकता है। मन में लक्ष्य लेकर के जाएं कि बाजार में जाना किस लिए है और बाजार से खरीदना क्या है। जादू की जकड़ के बारे में लेखक कहता है कि प्रायः लोग बाजार के मायावी आकर्षण जाल में फंस जाते हैं और उन्हें बाजार हमेशा ललचाता रहता है। ऐसा करने के लिए वो पत्नियों को दोष भी देते हैं, लेकिन वास्तविक इच्छा उनकी खुद की होती है। अपना सामान दिखाने के लिए, लोगों से ऊंचा दिखाने के लिए वो ज़्यादा सामान खरीदते चले जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक चीज़ का प्रयोग किया है, आँख फोड़ डालना, संसार की सारी गतिविधियों को अनदेखा कर देना, उसकी ओर से मन को हटा लेना। पैसे की व्यंग्य शक्ति का आशय यहाँ पर है लोगों को लुभाने, प्यासा बनाने और लोभ से पागल बनाने की शक्ति। अगर हम इस पाठ की बात करें तो इसका मूल आशय ये है
कि व्यक्ति के मन में संयम, विवेक और अलोभी वृत्ति अगर है तो संसार के आकर्षण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। संसार के आकर्षण और हमारा जो वैभव है उसको ठुकरा देने का बल नैतिक बल कहा जा सकता है, और यही बल हमें इस संसार के आकर्षण से बचा सकता है, बाजार के आकर्षण से बचा सकता है। जिसके पास नैतिक बल नहीं होता है वही धन संग्रह करने के पीछे मारा मारा घूमता है और उस पर बाजार का जादू भी चल जाता है। भगत जी बाजार में जाते हैं और संतुष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें बाजार से अपने काम के लिए नमक और जीरा चाहिए था, और फालतू चीज़ों में उनका कोई ध्यान नहीं है और वे खुली आंखों से बाजार को देख रहे थे, लेकिन उनके मन में बाजार के प्रति किसी प्रकार का कोई तिरस्कार नहीं था, वो तो बस अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे। लेखक के अनुसार बाजार सार्थक कब है? जो केवल आवश्यकता का सामान उपलब्ध करवा दे। इसके विपरीत जो बाजार गैर जरूरी इच्छाओं को जगाता है वह निरर्थक है, उसका कोई हमारे लिए प्रयोग नहीं है, यह केवल हमारी जेब को खाली कराने के काम आता है। धन की क्रय शक्ति जो होती है, खरीदने की क्षमता जो होती है, बाजार में शैतानी भरा व्यंग्य भड़कता है। उससे क्या होता है? बाजार में शैतानी भरा व्यंग्य भड़कता है। धनी लोग जो होते हैं वो बिना जरूरत की फैंसी चीज़ें खरीदते जाते हैं और अपनी शान दिखाने के लिए लोगों को शान का डंका बघारते रहते हैं, तब बेचने वाला भी जमकर कपट और शोषण करता है। इससे दुकानदार और ग्राहक मित्र न रह करके एक शोषक बन जाता है, दूसरा शोषित बन जाता है, और बाजार का पूरा लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। बाजार का लक्ष्य क्या होता है कि लोगों को जरूरत का सामान उपलब्ध करवाना, लेकिन अभी जो चल रहा है समय, उपभोक्तावाद का जो समय चल रहा है उसमें केवल बाजार का लक्ष्य हो गया है लोगों का शोषण करना। अधिक से अधिक लोगों की परचेजिंग पावर है उसको अपने हाथों में ले लेना, खरीदने की क्षमता को जो दुकानदार है वो अपने हाथों में ले लेना चाहता है। बाजार को सार्थकता वही लोग दे सकते हैं जो जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, ना कि अपनी मनी पावर दिखाने के लिए, ना कि अपनी खरीदने की क्षमता दिखाने के लिए। बाजार की सार्थकता तभी है जब केवल जरूरत का सामान खरीदा जाए, ना कि बिना जरूरत का सामान खरीदा जाए। जब बाजार में कपट बढ़ता है, अगर ऐसा होने से, बिना जरूरत का सामान खरीदने से शोषण बढ़ता है, कपट बढ़ता है, तो लोगों में भाईचारा भी समाप्त हो जाता है, विक्रेता और क्रेता ही शेष रह जाते हैं और एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं, और इस कारण से निष्कपट लोग भी मारे जाते हैं और छली लोग जो हैं वो जीत जाते हैं। जब एक दूसरे को ठगने की जो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसमें एक फिर रिवॉल्विंग नेचर से वो काम करती है और एक दूसरे को ठगने का व्यापार चलता जाता है और बढ़ता ही जाता है। ऐसे बाजार का आशय क्या है? छल कपट बढ़ाने वाला बाजार, दूसरों की हानि करके खुद को लाभ कमाने वाला बाजार, और यही बाजार मानवता के लिए दुर्भाग्य है। इससे मनुष्य को पग पग पर ठगे जाने का भय सताता है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का पहला लक्षण है वस्तुओं के उपभोग के लिए जीना, इसके लिए नई नई वस्तुओं के आकर्षण को जगाना, बाजार को मायावी बनाना, लोगों की आवश्यकता पूरी करने की बजाय उनका शोषण करना। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है और लालच में आकर के गैर जरूरी चीज़ें खरीदता ही जाता है और उस जाल में अंततः फंसता ही जाता है। जब जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि जेब खाली हो चुकी है, अब वो वस्तुएं उसे आराम देने की बजाय उसके आराम में खलल डालने लग जाती हैं। और यही बात लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि बाजार का हम सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। सार्थकता से हम उसका प्रयोग करें कि जब हमें आवश्यकता है तभी हम उनका सामान को खरीदें, अनावश्यक सामान को हम अपनी शक्ति को दिखाने के लिए ना खरीदें।